सब्सक्राइब करें ट्रेडिंग चाणक्य चैनल को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाए। नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग चाणक्य की यूट्यूब चैनल में मैं अनमोल मित्तल आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और शुरुआत कर रहे हैं दोस्तों 23 अगस्त 2018 की हमारी इम्पोर्टेंट न्यूज अपडेट का। देखते भैया बाजार के अंदर जो इम्पोर्टेंट न्यूज क्या रही है, साथ ही साथ हम अंत में देखते हैं निफ्टी का टेक्निकल व्यू की भैया क्या रहता है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों पहली अपडेट से। पहला जो अपडेट आ रहा है वो आ रहा है ग्रैन्यूल्स इंडिया की तरफ से। भैया इनको यूएस एफडीए से इनकी एक नई दवाई के लिए इनको मंजूरी मिल गई है। नई दवाई का नाम है रेनिटिडाइन। जो दोस्तों दवाई है ये पेट और आंतों में होने वाले अल्सर के इलाज के लिए है। साथ ही साथ ये दवाइयाँ अल्सर को ठीक करने के साथ साथ ना होना मतलब कभी ना होने में भी मदद करती है, तो बहुत उपयोगी मेडिसिन है। और जैसे ये न्यूज़ मार्केट में आई उसके बाद जो शेयर था वो लगभग 3.17% की बढ़त के साथ दोस्तों आज बंद हुआ। तो अच्छी अपडेट है ग्रैन्यूल्स इंडिया के लिए। अगला अपडेट है दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री के लिए। भैया इन्होंने छू लिया है 8 लाख करोड़ मार्केट कैप यानी बाजार पूंजी का स्तर, और जो शेयर है वो 1266.90 पर जाकर के बंद हुआ। तो अब तक की सबसे महंगी और सबसे बड़ी कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्री, और आगे देखते हैं भैया रिलायंस इंडस्ट्री और क्या क्या गुल खिलाते हैं। अगला दोस्तों इम्पोर्टेंट अपडेट आ रहा है इन्फोसिस की तरफ से। भैया इन्होंने एक नया अपना तकनीकी केंद्र खोल दिया है उत्तरी कैरोलिना में, और इससे पहले जो है इनके 2 केंद्र और हैं, अब इसको मिलाकर के 3 हो गए इस तरीके के। और जो शेयर है वो 1.16% की बढ़त के साथ दोस्तों हो गया है बंद। अगला दोस्तों अपडेट आ रहा है लार्सन एंड टर्बो की तरफ से। भैया इन्होंने बायबैक का ऐलान करा है, लगभग 6 करोड़ शेयर का बायबैक करेगी लार्सन टर्बो, लगभग 1500 रुपये के भाव पर खरीदेगी। और जो शेयर है वो तकरीबन अभी भाई 1350 रुपये के आसपास चल रहा है, तो एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है लार्सन एंड टर्बो के लिए। क्योंकि जब भी आपने देखा होगा कि अच्छी कंपनी, अच्छा फंडामेंटल कंपनी का जिसका अच्छा हो, क्योंकि रिसेंटली हम देखते आते हैं लार्सन एंड टर्बो को बहुत सारे टेंडर्स कॉन्टिन्यूसली मिलते हुए आए हैं, बहुत बड़ी कंपनी है। और एक जब भी कंपनी बायबैक इशू करती है जिस प्राइस पे इशू करती है तो उसको एक फेयर वैल्यू मान लिया जाता है, ज़रूरी नहीं है आएगा लेकिन फिर भी एक फेयर वैल्यू माना जाता है। मान लेते हैं कि 1500 रुपये लार्सन एंड टर्बो ने एक लॉन्च कर अपना बायबैक इतने में खरीदेंगे तो 1500 रुपये का भाव उसका जल्दी आने के लिए पॉसिबिलिटी रहती है। तो स्टॉप लॉस लगा करके 1500 के भाव तक के लिए ट्रेड लिया जा सकता है एज ए डेमो ट्रेडिंग, वॉच करिए और देखिए भैया क्या होता है, ऐसा नहीं होता है। बाकी एक पॉजिटिव वे ज़रूर है, पॉजिटिव साइड ज़रूर रहेगा लार्सन एंड टर्बो के लिए। कोई अगर अपना रियल पैसा लगाना चाहता है तो लगा सकता है, लेकिन जो है स्टॉप लॉस को ज़रूर अपना मेंटेन करें। अगला दोस्तों अपडेट आ रहा है वो आ रहा है महानगर गैस से। भैया खबरों के अनुसार इनकी एक विदेशी प्रमोटर कंपनी है जिसका नाम है बीजी एशिया पैसिफिक। तो जो बीजी एशिया पैसिफिक है उसमें हाल ही में एक न्यूज़ आई कि भैया ये अपनी 14% की हिस्सेदारी बेचने का मन बना रही है महानगर गैस में, जो महानगर गैस की विदेशी प्रमोटर है। तो जैसी ये न्यूज़ आई वैसे बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ा इस शेयर के ऊपर, और जो शेयर है वो तकरीबन 7% की गिरावट के साथ दोस्तों आज बंद हुआ। तो अभी भैया ये अनाउंस ही हुआ है, ये खबर ही आई है, अभी हुआ नहीं है तब जाकर के ये इम्पैक्ट पड़ा है। लेकिन जिस दिन होगा, जिस दिन ये पूरा काम हो जाएगा, प्रमोटर अपनी होल्डिंग्स को बेच देंगे, तब देखते हैं दोस्तों की क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो थोड़ा सा आप इसके ऊपर एज ए ट्रेडिंग व्यू देख सकते हैं शॉर्ट सेलिंग के लिए, और बीच में आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज ज़रूर मिलेगी। जिस तरीके से PNB शेयर में लगातार बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिली थी और बहुत सारे लोगों ने इनफैक्ट डेरिवेटिव्स मार्केट में इंट्राडे में भी बहुत अच्छा पैसा कमाया था। तो देखिए भैया क्या रहता है, और जिस दिन ये अनाउंस होगा तो उस दिन क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो उस दिन का थोड़ा सा आप एडवांटेज ले सकते हैं। अगला दोस्तों देख लेते हैं निफ्टी का टेक्निकल व्यू क्या रहता है। तो निफ्टी का दोस्तों टेक्निकल व्यू है ये कि भाई 2 लाइनें हमने लगाई थी लास्ट टाइम, और जो 2 लाइनें दोस्तों हमने लगाई थी तो उसके अंदर हमने देखा था बड़ा ही सिंपल था
कि भाई इसको तोड़ के ऊपर जाता है, ऊपर वाली लाइन को तो ऊपर जाएगा, लेकिन ऊपर वाली लाइन को तोड़ा जरूर दोस्तों, लेकिन कहीं आसपास ही जा करके क्लोजिंग दे दी, और नीचे वाली लाइन का पूरा मार्केट ने सम्मान करा और क्लोजिंग नहीं दे पाई नीचे वाली लाइन की। तो बिल्कुल सपोर्ट जो है हमारा बिल्कुल सही लगा था और रेजिस्टेंस भी बिल्कुल हमारा सही लगा था, लेकिन मार्केट ज़्यादा वोलेटाइल नहीं हो पाया, थोड़ा सा रुका मार्केट आज। तो क्या व्यू बनता है नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए? तो ये व्यू बनता है रेजिस्टेंस, ये क्या है रेजिस्टेंस, 11,596 यानी 11,596 रुपीज़, और जो सपोर्ट लेवल बनता है वो बनता है दोस्तों ये यानी 11,567 यानी 11,567। अगर इन दोनों लाइनों को मार्केट कहीं भी तोड़ता है तो उस तरफ जाने की पॉसिबिलिटी बन जाएगी, और देखिए वॉच करिए कि अगले दिन यानी नेक्स्ट ट्रेडिंग डे पे कैसा रहता है और किस तरीके से मार्केट इसका सम्मान करेगा। तो यही था दोस्तों आज की वीडियो में, कैसा लगा जरूर बताइएगा। जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कमाल के कॉन्सेप्ट के साथ। किसी वीडियो का सजेशन हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट दोस्तों।